दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी हम फिलहाल विश्व के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट चंगी एयरपोर्ट में और अभी फिलहाल टर्मिनल 3 में हूँ। आज मैं एक और इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और ट्रैवल भी कर रहा हूँ उसमें। अभी सिंगापुर घूमा है 4 दिन, अब यहाँ से निकल रहा हूँ मलेशिया। सिंगापुर की जो भी पूरी ट्रैवल सीरीज़ है ना, आपको मेरे सत्या हमसफ़र चैनल में पूरा सिटी टूर देखने को मिलेगा। हाँ, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह है वो यहीं पर देखने को मिलेगी। और सिंगापुर में स्काई ट्रेन चलती है जो कि फ्री है इन बिटवीन ऑल द टर्मिनल्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मलेशिया जा रहा हूं, वहां की भी स्पेशल चीज़ आपको दिखाने वाला हूं। एयरपोर्ट तो है ही खूबसूरत, लेकिन हाँ, इससे भी स्पेशल चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहां का ज्वेल हो गया और भी चीज़ें हैं भाई। सिंगापुर एयरपोर्ट घूमेंगे, उससे पहले भाई लगेज ड्रॉप कर दूं, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें शुरू कर पाएंगे हम लोग। यहां पे भी हमारी तरह भाई पूरा लगेज ड्रॉप के लिए चेकिंग के लिए वेट करना पड़ता है आपको। उसके बाद आपका नंबर आएगा तब आपको लगेज ड्रॉप करना है। लगेज भी यहाँ पर ड्रॉप हो गया है। यहाँ पे बती केयर में ना 20 kg का लगेज अलाउड है और साथ में 7 kg का बैकपैक अलाउड है, तो वो वाला प्रोसेस भी अपना हो गया है। बाकी आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताना चाहूँगा मैं। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो ना, इंडिया से आ रहे हो, वीगो ऐप का ज़रूर यूज़ करना है। वीगो एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड करेंसीज में अवेलेबल है, उसका बहुत फ़ायदा हम लोग को मिलता है। मेन चीज़ पता है वीगो की क्या है, ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील लेकर के आती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, होटल, सभी चीज़ों में। जैसे आप वीगो को डाउनलोड करके आप जिस भी कंट्री जा रहे हो वहाँ की डिटेल्स अपनी डालोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस फ्लाइट्स के मिल जाएंगे। एयर एशिया, एयर इंडिया, जिसमें सिंगापुर आया तो सिंगापुर एयरलाइंस के ऑप्शंस मिल गए, मलेशिया जा रहा था तो वहाँ के मिले। जो भी फ्लाइट आपको पसंद है उस पर क्लिक करो, उसके बाद उसको बुक करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे बती केयर की खुद की साइट, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, क्लियर माई ट्रिप, जहाँ आपको चीपेस्ट दिखा रहा है वहाँ से आप फ्लाइट को बड़ी आसानी से बुक कर सकते हो। सेकेंड चीज़, यहाँ पर जो होटल्स हैं ना वो भी इसी तरीके से चीप हैं। जिस भी सिटी जा रहे हो अपनी रेट वगैरह चूज़ कर लो, नंबर ऑफ़ पैसेंजर चूज़ कर लो, होटल को आप क्लिक करो, उसके बाद उसके नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, booking.com, Agoda और वहाँ की जो लोकल वेबसाइट होंगी सब कुछ आपको मिलेगा। चीपेस्ट रेट पर आप इंटरनेशनल होटल्स भी बुक कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि नए वीगो ऐप में इंडियन ट्रेन टिकट बुकिंग तो है ही, इवेंट वगैरह भी आप बुक कर ही सकते हो, साथ साथ आप वीज़ा के लिए आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा का प्रोसेस भी बहुत सिंपल बना दिया वीगो ने, घर बैठे वहाँ से वीज़ा अप्लाई करो, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। वीगो आपको ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लेना, अगर आप लोग भी इंटरनेशनल कुछ प्लान कर रहे हो तो वाकई में बहुत मदद आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर ट्राई करिए। बाकी अब हो गया अपना लगेज वगैरह ड्रॉप, अब चलते हैं चंगी एयरपोर्ट घूमने। यहाँ पे फ्री ट्रेन चलती है स्काई ट्रेन, उसको देखते हैं कैसी है। और ज्वेल यहाँ का सबसे फेमस जो है वाटरफॉल टाइप का, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं आज। ये देखो यहाँ की स्काई ट्रेन आ चुकी है, जिसकी सर्विसेज फ्री होती हैं। अच्छा, यहाँ पे लोको पायलट वगैरह नहीं होते हैं तो डायरेक्टली आप देख लो कि लास्ट वाला विस्टा डोम वाला फीलिंग आप यहीं से ले सकते हो। टाइम था हमारे पास इसलिए मैं निकल के आ गया, वरना आप लोग ऐसे रिस्क मत लेना। और रबर के टायर इसमें होते हैं, ये देखो कुछ ऐसी दिखती है स्काई ट्रेन यहाँ की। साथ ये पक्का टर्मिनल 1 का एरिया ही होगा, ज्वेल वगैरह का, उधर चलते हैं। इंटीरियर आप देख लो कुछ ऐसा होता है, तो नॉर्मल मेट्रो जैसी ही है अपने यहाँ की, बट हाँ ड्राइवर लेस मेट्रो आप इसे ज़रूर कह सकते हो। लुक्स देखो आप इसके कितने बढ़िया होते हैं, फ्रंट लुक। चंगी एयरपोर्ट की फ्री सर्विस है, मेट्रो जैसे डोर्स का क्लोजिंग लिख करके यहाँ पे आ गया। अब स्काई ट्रेन चलने को तैयार, और आप इसका लुक देखो एक बार। एक नंबर व्यवस्था, देखो नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, टायर मतलब लगे हुए हैं उसमें, ऐसे नहीं कि प्रॉपर व्हील्स उसमें जो। है ना मस्त। अभी चलते हैं जल्दी से ज्वेल की ओर। देख लो कितना मॉडर्न एयरपोर्ट है कि आपको एयरपोर्ट के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखो लग रहा है जैसे कोई मैजिकल शो चल रहा है यहाँ पे। जो भी यहाँ आता है इस चीज़ को देखता है हैरान हो जाता है कैसे सभी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं।
देखिए एक बार दूर से ये चीज़ें कैसी लगती हैं। एयरपोर्ट में डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, आपको जबल जाना है या जहाँ जाना है वहाँ के लिए आप बटन प्रेस करो, देख लो। सेल्फ चेकिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे क्योस्क बने हुए हैं। जबल पहुँचने के लिए आपको इस प्यारे ड्रैगन से पहले मिलना पड़ेगा। पीछे जबल है, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ से व्यू दिखा सकता हूँ, पर मैं आपको सही जगह पर लेकर चलता हूँ व्यू दिखाने के लिए। चंगी एयरपोर्ट आने के बाद जबल का सबसे प्यारा व्यू चाहिए, फोटोजेनिक व्यू चाहिए ना, तो एप्पल का स्टोर है उसके पास आपको आना पड़ेगा। एप्पल स्टोर वहाँ पे है और ये देखिए व्यू, ये है चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जुवेल, यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह। खाली खाली सी जगह मिल जाती है, फ़ोटोज़ वगैरह मस्त आती हैं। और मेन चीज़ पता है क्या, इसके आगे से स्काई ट्रेन गुजरती है, उसका व्यू को एंजॉय करके आप देख सकते हो जुवेल का, करीब से भी देख सकते हो, पर जो मज़ा ऊपर से आता है, जो नज़ारे ऊपर से आते हैं ना, वो वाइब्स नीचे नहीं है। ये सभी चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर सिंगापुर आ रहे हो, ये सब नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा भाई। ये सभी चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और यहाँ पे ऑर्चिड गार्डन भी है, बटरफ्लाई गार्डन भी है। आज टाइम बहुत कम है, एक और बार मैं यहाँ से वापसी के लिए फ़्लाइट लेने वाला हूँ, तब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ का बाकी का जो गार्डन है। देखो स्काई ट्रेन का जो इंटीरियर है ना, वो कुछ ऐसा होता है। बाकी अगर आपको जबल का व्यू ट्रेन से इन्जॉय करना है ना, तो आपको यहाँ T3 से T2 की स्काई ट्रेन लेनी पड़ेगी। T1 वाली में जैसे मैंने व्यू पॉइंट दिखाया ना, वहाँ से आप इंजॉय कर सकते हो, पर यहाँ से ट्रेन से दिखेगा आपको। ये वाली थोड़ी फास्ट है स्काई ट्रेन, इस वाली से, ये चीज़ मैंने खरीदी थी। अच्छा, क्योंकि इसको एलिवेशन लेना होता है, ये एक फ्लोर ऊपर जाती है, इसलिए थोड़ी स्टार्टिंग से ही काफ़ी फास्ट चली है। जो है वो T1 के अंदर ही है, तो उसका जो व्यू है वो हमको वहीं से मिलेगा। और जो ट्रेन है इसको अंदर से ही कवर करने वाली है। रेडी फॉर द व्यू, जरा विस्टर्ड होम अपना इधर से देख रहे हैं। और लास्ट विंडो से भी आपको बहुत बढ़िया व्यू आएगा यहाँ पे। यहाँ पे उतरा नहीं T2 पे, क्योंकि मुझे वापस से इसी ट्रेन से उसे कवर करते हो अपने टर्मिनल पहुँचना है, क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे इमिग्रेशन भी पूरा करना है। विस्टा डोम के पूरे मज़े यहाँ पे मिले, क्योंकि कोई लोगों पायलट नहीं है। वाओ, ट्रेन से व्यू देखो आप, वैसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 10 से 12 मिनट लगेंगे। अप डाउन चाहो तो आप सेम ट्रेन में कर लेना, अपने टर्मिनल 3 से जाना T2 तक और वहाँ से वापस आ जाना, उतरने की ज़रूरत भी नहीं ट्रेन से, तो आप इस वाटरफॉल को ट्रेन से एक्सपीरियंस कर सकते हो पूरा व्यू के साथ। और जो जगह मैंने देखा, अगर आपके पास फिर भी समय है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है, तो वहाँ तक जाना चल के और जबल पहुँच के व्यू को इन्जॉय करके वापस आ जाना। अगर 6 घंटे का टाइम है तब तो पूरा एयरपोर्ट आप मज़े से घूम सकते हो।
मेरे पास 2 घंटे का टाइम था, अब जा रहा हूँ मैं अपना सिक्योरिटी चेक वगैरह जो है वो करवाने और यहाँ से इमिग्रेशन करवाने। बनाया भी उतनी खूबसूरती से और आधुनिक सुविधाओं के साथ गया है इसको। यहाँ पे क्रिस्पी क्रीम वगैरह का स्टोर भी है। खाने पीने के लिए तो ऑप्शंस हैं, पर एक सच बात बताऊँ तो वेज के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ के मैकडी, बर्गर किंग, इन सब जगह भी जाओगे ना, इवन सबवे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन है। मैकडी वगैरह में तो केवल आपको फ्राइज़ मिलेगा, बाकी हाँ सबवे में गया था तो एक वेज पैटी का ऑप्शन था, वो भी 750 से 900 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगा। और स्टारबक्स में भी कुछ नहीं है वेज, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। बहुत खूबसूरत बना हुआ है यार ये चंगे एयरपोर्ट, सच बता रहा हूँ। अभी हम लोग अपना इमिग्रेशन पूरा कर चुके हैं, जस्ट 2 मिनट का काम था इमिग्रेशन का, लिटरली बता रहा हूँ, बस पासपोर्ट अपना स्कैन होता और कुछ नहीं। इंडिया में तो भाई इतने क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब प्यार से पूछे थे, इंडिया में भी बहुत प्यार से पूछा था उन्होंने, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, मतलब ये सब डिटेल पूछी थी। यहाँ पर कुछ नहीं, बस पासपोर्ट अपना स्कैन हुआ और बाहर। ये सभी जो शॉप्स हैं ना, इसमें कोई टैक्स नहीं है, ऑल आर ड्यूटी फ्री शॉप्स, यहाँ से आप जो भी चीज़ खरीदोगे इसमें दोनों ही कंट्री की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे चॉकलेट हो चाहे परफ्यूम हो। तो ये एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन करने के बाद आपको ये सुविधाएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पे गेट नंबर 16 जाना था, तो 16 नंबर गेट पे जाने के लिए भी स्काई ट्रेन अवेलेबल है, मतलब समझ लो उसके लिए भी आपको पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी दूरी के लिए भी स्काई ट्रेन है यहाँ पे सुविधा। वापस से जल्दी से भाग के, अभी 11:30 हो रहे हैं, 15 मिनट्स बाद मेरी बोर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी आना पड़ा यहाँ पे। अभी गेट A15 से A21 के लिए आपको यहाँ पे आना है, मेरे को A16 मिला था तो भाई इसीलिए मैंने स्काई ट्रेन ली जल्दी से, मतलब इतनी दूरी के लिए भी स्काई ट्रेन है ये अच्छी बात है यार, मतलब AC में आपको आ सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। वरना चंगी इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि अगर ये सभी सुविधाएँ ना दी जाए ना तो बंदा चल चल के थक जाएगा। फाइनली सिक्योरिटी चेक हुआ ऊपर आकर के, इमिग्रेशन में तो उतना चेक ही नहीं हुआ, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हुआ, मेटल डिटेक्टर के आगे आपको खड़ा करते हैं, पूरा MRI जैसा होता है वो। हाँ लेकिन बाकी लैपटॉप ही मेनली आपका ये बाहर मांगते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगते, बेल्ट वगैरह नहीं उतरवाते हैं, चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी चेक में हाँ 5 मिनट का समय लगा, ये चीज़ मानता हूँ। अभी हो रहा है 11:35 और 12:20 के अप्रॉक्स अपनी फ्लाइट जो है यहाँ से उड़ेगी, अब देखते हैं कब होती है बोर्डिंग वगैरह, आपको अपडेट दूंगा, वीडियो के एंड तक देखना। जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था 12:15 पे बोर्डिंग यहाँ पर शुरू किया इन्होंने, तो A350 है सिंगापुर एयरलाइंस का, लुक बहुत ही तगड़ा है। आपने इंडियन A350 में आपने मेरे साथ ट्रैवल किया है, सिंगापुर एयरलाइन का भी देख लो सामने, बाय बाय A350, कभी मौका मिला तो ज़रूर ट्रैवल करेंगे। अभी बतिक एयर की बारी है, तो ये है बतिक एयर का बिजनेस क्लास, बतिक एयर की सीट्स एकदम एयर एशिया जैसी लग रही है मेरे को यहाँ पे देखने में, लेट्स सी कैसा रहता है इनका कंफर्ट वगैरह, ये देख लो इनकी सीट्स कुछ ऐसी हैं यहाँ पर। अगर बात करें इस फ्लाइट के रिव्यू के ना, तो सीट्स वगैरह बहुत ही कंफर्टेबल, लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी स्पेशियस वाली फीलिंग आ रही है इसमें, पता नहीं क्यों, अच्छा खासा लेग स्पेस है, डिस्प्ले भी है, मुझे लगता नहीं कि काम करता होगा। USB यहाँ पर दिया गया है, एक हेडफोन जैक दिया हुआ है, पता नहीं बतिक एयर का ये काम करता होगा कि नहीं, है 737-800, शायद आकाशा एयर का ही भाई होगा हमारे यहाँ के। बाकी सीट्स का कंफर्ट वगैरह आप देखो अच्छा है इसमें, विंडोज हमें दो दो मिले हुए हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत होगी नहीं जर्नी के दौरान। ट्रैवल टाइम देखना है मेरे को ऑन एयर कितना लगता है, वो तो आप जानते ही हो, मैं टेक ऑफ से लैंडिंग तक का कैलकुलेट करने वाला हूँ, बीच का कुछ भी नहीं। बाकी आपको इसका इंटीरियर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो ये मुझे पड़ी थी 4000 के समथिंग, जिसमें 20 kg लगेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है एंड 7 kg का बैकपैक इंक्लूडेड है। बाकी ये देख लो, ये AC कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये मिलता है, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो AC, लाइट्स वगैरह यहाँ पे और बाकी चीज़ें यहाँ पे, लाइट इससे जल जाएगी, इसको बुलाना है तो आपको ये वाली बटन प्रेस करनी पड़ेगी। लेग स्पेस अच्छा है, कंफर्टेबल अच्छा है, बट हाँ ये काफ़ी लो हाइट में,
तो यहाँ थाई को रेस्ट अच्छा खासा मिल रहा है। अभी जस्ट हम लोग पुशबैक किए गए हैं, देखते हैं टेक ऑफ कितने बजे होता है। अभी टाइम हो रहा है 12:35, पुशबैक अभी हमारा चल रहा है। यहाँ पे 50 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम होने वाला है मलेशिया का। जो आप बल्टी गेयर पे जो बुक करते हो ना, जब तो खाना वगैरह इंक्लूडेड नहीं रहता है, तो अगर आपको खाना खा के चलना है तो खा के चलना, वरना बल्टी गेयर में खाना वगैरह इसमें मिलेगा नहीं। और मिलेगा तो ऊपर स्नैक्स ऑप्शन मिलेगा थोड़ी देर के लिए, कुछ ही देर में आपने खा लिया तो खा लिया, वरना लैंडिंग की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। मेरे को तो भूख नहीं लगी है। खैर 1:00 हो रहा है यहाँ पे, बस लैंडिंग के एकदम तैयार है अभी हम लोग। अनाउंसमेंट हुई, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा लैंड होने में। सिंगापुर से उड़ने से लेकर मलेशिया लैंड होने तक 40 मिनट में जर्नी ख़त्म। वहाँ पे एक मलेशियन एयरलाइन का एयरक्राफ्ट जा रहा है कहीं पे, तो पता नहीं, लोकेशन तो नहीं पता। और यहाँ पे मलेशियन एयरलाइंस के और प्लेन्स और मलिंदो के लाइन एयर के आप देख सकते हो यहाँ पे।
प्रतीक बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, इसका लुक बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोग अंदर से हैं तो मैं बाहर का लुक दिखा नहीं पा रहा हूँ। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, इट्स टाइम टू एग्जिट। मज़ा आया यार जर्नी करके, बहुत ही अच्छा सफ़र था, काफ़ी शॉर्ट टाइम लगा और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। बिजनेस क्लास तो आपने यहाँ का देखा ही, सीट्स का कंफर्ट काफ़ी सही है। सोच ही रहा था कि अपने प्लेन को बाहर से कैसे दिखाऊं, तो उतरने के बाद ये मौका मिल गया यहाँ पे। ये रहा अपना बतिक एयर का, जो कि एयर मलेशिया लिखा हुआ। भाई बैगेज रिक्लेम वगैरह के लेना, अभी नीचे जाना पड़ेगा, कस्टम्स वगैरह की चेकिंग होगी, उसके बाद बैगेज मिलेंगे। तो चलते हैं, पहले बैगेज वगैरह कर लें, इमिग्रेशन कर लें, फिर देखते हैं प्रोसेस। सिम वगैरह भी लेना पड़ेगा, करेंसी यहाँ की लेनी पड़ेगी अभी। हाँ, इमिग्रेशन में यहाँ के 40 मिनट से ज़्यादा का समय लग गया मेरे को टहलते टहलते। अभी काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे, मतलब मैनुअल चेकिंग होती, क्यों आए हो, कितने दिन रुक रहे हो, आने जाने के टिकट से लेकर सब कुछ चेक हुआ, होटल स्टे भी। हाँ, वीज़ा ऑन अराइवल है, यही है वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन आपको MDAC का एक फॉर्म भर के आना पड़ेगा मलेशिया में अराइवल से पहले। फॉरेन टूरिस्ट को भरना पड़ता है, उसका मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको भर देना, उसके बाद ही यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। और यहाँ के आपको अपना आने जाने का टिकट, होटल स्टे, सब चीज़ दिखानी है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए कोई कंपल्शन नहीं कि आपको कितना पैसा कैरी करना है, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कम से कम आपके पास होना चाहिए सफिशेंट अमाउंट, मतलब 2000 रिंगट तो मैं कहूँगा कि कैरी कर लो, आपके घूमने के काम आएंगे, उतना आप कैरी कर लेना अपने साथ। फाइनली लगेज भी मिल गया यार, इतनी देर से मैं लाइन में था, मुझे लगा लगेज कहाँ जाएगा। लगेज को बेल्ट से उतार के लोगों ने साइड पे रख दिया था, चार ही लगेज बचे थे, मेरा भी उसी में से था। चलो मिला, अभी यहाँ से ट्रेन लेता हूँ कुआलालंपुर के लिए, मतलब 58 का अराउंड किलोमीटर्स है वहाँ के लिए। यहाँ की जो ट्रेन है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पर देख लो टिकट काउंटर भी है, क्या रहा है ये और के एक्सप्रेस का, तो बुक कर लेते हैं अपना टिकट। यहाँ पे अपना टिकट वगैरह स्कैन करके ना KLI एक्सप्रेस के लिए जाना है, अगर कुआलालंपुर आपको जाना है तो। आज के यहाँ पे KLI एक्सप्रेस दिल्ली मेट्रो जैसी लग रही है वैसे देखने में, सच कहूँ तो बहुत अच्छा है यार। फॉरेन में कुछ ना कुछ ट्रेन ट्राई करने को मिल रही है। इंडियन ट्रेन तो आप लोग मेरे साथ बहुत देख चुके हो, और आपको नया रूट चाहिए था, नई जगह चाहिए थी, तो भाई देख लो, ये है मलेशिया की ट्रेन। बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो को एंड तक देखिए, मज़ा बहुत आने वाला है। ट्रेन का डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, बाकी ये KL सेंट्रल तक जा रही है, कुआलालंपुर के मेन स्टेशन तक। तो एयरपोर्ट से आपको नॉन स्टॉप ट्रेन मिलती है, लगभग 58 किलोमीटर के आसपास होगा डिस्टेंस, आधे घंटे में ट्रेन उसे कवर करती है। ये देख लो यहाँ पे ट्रेन अभी जस्ट निकली है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसे वहाँ तक जाने में। ये देखो क्या सीट्स बनी है। यहाँ पे आप ही जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये है मलेशियन रेलवे से, ये ट्रेन का इंटीरियर आप देखो, बहुत ही स्मूथ ट्रैक है और ट्रेन की स्पीड आप यहाँ पे देखोगे। ये यहाँ की मेट्रो टाइप की ट्रेन है KLI एक्सप्रेस, इसकी स्पीड आप देख लो 140 की रफ्तार में। क्रॉसिंग, वाओ भाई, मलेशियन रेलवेज के मज़े ले रहा हूँ बैठ के। यहाँ पे स्पीड 140 है क्योंकि KLI एक्सप्रेस चलती है, मस्त मज़ा है, मस्त इंटीरियर है। अभी तो 115 की रफ्तार में चल रही है, वरना नॉन स्टॉप 140 चल रही थी अभी तक। यहाँ के जो वाइब्स है ना वो अलग ही है यार, मतलब एकदम फ्लैट है यहाँ पे, कोई मतलब ट्रैक का वैसा नहीं है कि ट्रैक अप डाउन हो रहा हूँ। अच्छा, एक स्टेशन भी है यहाँ पे,
काफी तगड़ा लुक था यहाँ पर ट्रेन का। बात करो इसके टिकटिंग की ना, तो ये 38 RM पड़ती है। अगर आप लोग इनका ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वहाँ से मुझे 34 RM की पड़ी है जब मैंने इसे बुक किया, मतलब मलेशियन रिंगट जिसे आप कह सकते हो। बाकी जो एयरपोर्ट से हमारे KL सेंट्रल का जो डिस्टेंस है, कुआलालंपुर का जो डिस्टेंस है, उसके बीच में से नॉन स्टॉप चलाया जाता है। बेहतर मतलब कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से KL सेंट्रल तक इसे नॉन स्टॉप चलाया जाता है एक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए। वरना रोड से आप आओगे ना तो बहुत महंगा भी पड़ेगा, टाइम टेकिंग भी होगा। यहाँ सोचिए ना, लगभग 58 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये ट्रेन आधे घंटे में अगर आपको छोड़ देती है, क्या बात है। मेरे को मतलब एक स्टेशन पहले ही उतरना है, पर वहाँ तक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। गाड़ी बहुत बढ़िया है, भाग रही है नॉन स्टॉप। अभी भी देख लो आप लोग, जब से आपसे बात कर रहा हूँ 135-140 चल रही है। यहाँ की एक मेट्रो ट्रेन टाइप की ट्रेन है ये, मस्त लग रहा है। जर्नी में मज़ा बहुत आ रहा है। मलेशिया आओगे, एयरपोर्ट आओगे तो आप इसका ही यूज़ करना, टैक्सी वाले के चक्कर में मत पड़ना, वरना पैसे बहुत लग जाएंगे आपके। मलेशिया सिटी आप लोग देख लो मेरे साथ, यहाँ पर मैंने गलती से एक्सप्रेस ले ली थी ट्रांसिट के सिवाय, इसलिए यहाँ के मैंने 55 RM फिर से पे किया। और बहुत बहुत ही प्यारा स्टाफ था, मतलब प्यार से बोला कि आपके लिए मैं टिकट बना देता हूँ एंट्री एग्जिट वगैरह का, और वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉल करके भी बोल देता हूँ, तो आपसे अब ट्रांसिट में पैसे नहीं लेंगे। अभी उन्होंने KL एक्सप्रेस का मेरे से पैसे लिए 55, और मैकडी के पास से उन्होंने बोला लेफ्ट जाओ और स्ट्रेट जा करके आपको ट्रांसिट वाली ट्रेन मिलेगी, तो ट्रांसिट वाली ट्रेन ले लो। जहाँ मुझे जाना था वहाँ की बात है, ये वाली नॉन स्टॉप थी, तो KL सेंट्रल तक नॉन स्टॉप आई एयरपोर्ट से। मज़ा आया, लेकिन इसमें ट्रेन से जो हम लोग आए हैं ना, वो कुछ ऐसी दिखती है जो अभी 150 की रफ्तार में चल रही थी। चलिए, एक्सप्रेस अलग होती है एंड ट्रांसिट अलग होती है, वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा ऐसे ही देख के ही। उसकी सीट्स का कंफर्ट और इसका तो आप देख ही रहे हो अंतर। जो ट्रांसिट ट्रेन होती है ना, उसके सब स्टॉप होते हैं, ये देख लो। और जिसमें एक्सप्रेस में हम लोग आए थे उसमें कोई भी स्टॉप नहीं था। और सीट्स का डिफरेंस भी आप देख लो, यहाँ पे बगल में एक और ट्रेन आ गई है। सीट एंड कंफर्ट में भी अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों ही ट्रेनों में। किराए में भी है इसका, मुझे लगभग 38 RM दिखा रहा था एंड टू एंड, और उसका 55 RM मेरे को लगाया। मतलब फ़ाइन तो नहीं लिया, फुल फेयर उन्होंने मेरे से ज़रूर लिया उसका। हाँ भाई, अब नया शहर है, नई चीज़ें हैं, तो ये सब तो हो गई। हम देखते हैं यहाँ से अगले स्टेशन में पहुँच के।
इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कह लिए एक्सप्रेस की है, वो और ज़्यादा तेज़ थी, ये भी तेज़ है पर वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ये चीज़ मैं कहूँगा। और बस आने वाला अपना बंदर तसिक स्टेशन, उसके बाद मुझे दूसरी ट्रेन लेनी है, आज ही सारी ट्रेन एक्सप्लोर कर देंगे मलेशिया के हम लोग। ट्रैक तो काफ़ी नैरो गेज लग रहे हैं यार, नैरो गेज वाले लग रहे हैं, काफ़ी पतले से हैं, शायद इनकी KTM जो ट्रेन हमें अभी लेनी है वो यहीं चलती होगी। अच्छा यहाँ की ट्रेन दिखती कुछ ऐसी है वैसे, रैपिड KL भी दिख गई, सब कुछ है यहाँ पे, मतलब तीनों मुझे लगता है टाइप की जो ट्रेन है यहाँ पे, सब चीज़ें यहाँ पे बंदर तसिक स्टेशन पे। मैंने भाई यहाँ उतर के अपने लिए कैब कर ली है क्योंकि होटल के लिए भी अभी मुझे चल के जाना पड़ेगा। कार तो मैंने बुक कर ली थी, इसमें AC का जुगाड़ देखो आप लोग, फुल वगैरह से सजा के बढ़िया से वेंट को पूरा यहाँ पे किया आगे से पीछे तक, कोविड के टाइम के प्रिकॉशंस यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो कैसे वो ट्रांसपेरेंट फिल्म वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। हाँ पर एक चीज़ है, AC कैब में चल रहा है, ये अच्छी बात है, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा, सिंगापुर एंड मलेशिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हमने आपको वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग दिख रही होगी और आज को हमें अपने होटल रमादा एनकोर बाय वायंडम, चलो चलते हैं यहाँ पे अंदर चलते हैं, इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। और आनंद भवन भी यहाँ पे सामने, वाह साउथ इंडियन खाना बिल्कुल अपने सामने रहने वाला है आज भी। एकदम इंडियन होटल वाली भाई बारी यहाँ पे, अरे देखो संदीप भाई ऑलरेडी है यहाँ पे, कैसा लगा मलेशिया संदीप भाई? संदीप भाई यहाँ पे कुछ देख रहे हैं वीडियो वंदे भारत का, बैंगलोर टू मैसूर। हाँ देखो टॉलेस्ट बिल्डिंग का जो व्यू है ना एकदम सामने ही है होटल के, बाकी वही सोचा था आपको रूम वगैरह दिखा दूँ, ये है अपना काम चला हुआ रूम आज का। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नई सीरीज के साथ, यहाँ की ट्रेन को एक्सप्लोर करने आए हैं तो 2 से 3 ऐसी ट्रेनें लाएंगे, ऐसे ऐसे यूनिक रूट की ट्रेनें लाएंगे कि आप लोग को मजा आ जाएगा, तो बने रहिएगा चैनल पर, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।